आए रोज ये जो गैर कानूनी हुकूमतें बनी हैं इनके इकदाम ये निशानदेही करते हैं कि वो दस्तूर 9 मई के बाद के अमल को जारी रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर अफजल मरवत ने आज बड़ा ऐलान कर दिया जब अदालतों की तरफ से इंसाफ की तवक्को नजर न आई, जबकि इमरान खान के खिलाफ इकदामात हुकूमती अभी तक जारी सारी हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज भी होगा। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से भी बात की कि मुबशर लुकमान के साथ उनका इंटरव्यू हुआ, जो जो तनकीद कर रहे हैं उनको शेर अफजल ने बड़े आड़े हाथों लिया है। लाइक कीजिए और जरा वीडियो देखिए। आए रोज ये जो गैर कानूनी हुकूमतें बनी हैं इनके इकदाम ये निशानदेही करते हैं कि वो दस्तूर 9 मई के बाद के अमल को जारी रखना चाहते हैं। लिहाजा अब क़यादत ने संजीदगी से ये फैसला किया है कि हमें खान की रिहाई के लिए और अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए हमारा एहतजाज जो है वो पार्लियामान से बाहर निकल के सड़कों रोडों पर और अडियाला जेल में भी होना चाहिए। इस हवाले से आज की ये डेवलपमेंट को देखा जाएगा कि आज अदालत क्या करती है, और इसके बाद अगर खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म नहीं होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं ये सब मिलके जो भी एहतजाज का तरीकाकार वजह होगा उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। जी लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो भी एहतजाज होगा वो एहतजाज उस वक्त तक होगा कि या तो ये हमें बिल्कुल कुचल दें, ख़त्म ही कर दें, कि इन इंसानों की जिंदा रखने की जरूरत नहीं है, या फिर हम अवाम पाकिस्तान को उनका लीडर भी वापस दिलाएंगे और अपना मैंडेट भी रिकवर करेंगे। हमारा एहतजाज गुरमन रहेगा, ये बेशक गुरमन नहीं रहते हैं, वायलेंस करते हैं, जुल्म जबर करते हैं, जो अभी तक हमारे साथ करते आए हैं हम बर्दाश्त भी करेंगे और इसके बावजूद भी अपने एहतजाज जारी रखेंगे। मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी को गाली नहीं निकाली है, नंबर वन। नंबर दो, ये सब कान खोल के सुन लो, मैं 30-31 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। मुबशर लुकमान की 8 साल तक मैंने केसेस में उनको डिफेंड किया है। उस वक्त मैं उनका वकील बना था जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाव रखते थे। तो लिहाजा अगर किसी के साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक है, मैं उसके वकील रहा हूँ, तो उनके साथ बैठने पे मुझसे कोई सवाल न करें। अलबत्ता मेरे अमल को आप जरूर दें। देखिए, मुबशर लुकमान ने मेरे से इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में मैंने, क्योंकि उनकी ऑडियंस तकरीबन पटवारी ज्यादा है, उनकी ऑडियंस आप देखिए, वो कमेंट से पता चल जाएगा, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका उनकी ऑडियंस पर पहुंचा इंटरव्यू के जरिए। तो लिहाजा इस तरह न करें कि हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाए कि किसके साथ मैं बैठूँ किसके साथ न बैठूँ। मुझे इलम है, मुझे पता है मेरी हदूद क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, लेकिन इस तरह ये सियासत तो नहीं हुई है। तो आप हमें कह रहे हैं कि आपकी उंगलियां पकड़ेंगे और इस तरह चलेंगे। मुबशर लुकमान हुआ या A to Z जो भी हुआ, जो गुज़िश्ता ज़िंदगी में जिनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है उनके साथ, हाँ अलबत्ता मेरी मौजूदगी में कोई खान साहब उनके खानदान के खिलाफ कोई हरदा सराई करेगा, फिर आप उस वक्त देखें कि फिर मैं अपने अमल से क्या साबित करता हूँ। तो दोस्तों, दोनों क्लिप्स आपने देखे। एक तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दी जा सकती है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और दूसरा शेर अफजल मरवत साहब ने अपने तमाम फॉलोअर्स को कहा है कि मुबशर लुकमान के साथ मेरा इंटरव्यू था, इस तरह ना करें कि वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाएं, मुझे पता है मेरी हदूद क्या है। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब के आज के इस बयान के हवाले से आप अपनी आरा जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लास्ट मिनट कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट तमाम वीडियोस आपको बर वक्त देखने को मिल सकें।